आपने मेरे चैनल पर ही देखा था कि बिन ब्याही एक लड़की माँ बन गई थी, उसको आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, काफी कमेंट किया। आज उस लड़की ने अपने उस प्रेमी को जेल से निकाल के लाया है, क्योंकि लड़की का कहना है कि लड़का शादी करने के लिए हाँ बोल दिया तो उसे जेल से निकाल के लाया, ग्रामीण के द्वारा उसका शादी कराया गया है। लेकिन लड़का पक्ष का कहना है कि ये लोग जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। इधर लड़की पक्ष है और इधर लड़का का भाई है, जानते हैं दोनों का मसला क्या है। इसके बाद फिर चलेंगे लड़का और लड़की के पास। आप लोग लड़की पक्ष के लोग हैं। हाँ। जमन समाज सारा समाज का हल्का है कि लड़की को सब पूछल गए से पेट चिकनाल गए, तो हम सब कहलिए है से केना भेलो है, तो बाबा जी का राम है कि वो लक्ष्मण नाम है से कहल के से वाला पेट है बस 4 दिन यानी कैले हवे 9 दिन आ 2 दिन बसवारी में कैले हवे मारे रोड ला धीरा ली जाए, जरा ऊपर लड़का है तो जेल चल गए, जेल के गला के बाद में कहल के कि हाँ सब शादी करब 2-3 दिन जेल में लड़की गए कल के हम शादी करब करब। आई अभी सब हमरा के लिए कहे कि से लड़का आ बोलू पकड़ा ले से चले ले जाके हम कार धो के ले जाके आ वही लंग गेलिए या तो वे शादी हम करवा दिलिए या तो ओकरा क्रिया खिबलिए या तो लड़की को अथी लड़की क्रिया भाई ला के खा ले के या से कहल के हमर भाई मर जाए से ओकरे वाला है आ वो कहल के कि से हमर ओकर वाला बोलू कि दोनों बेटी मतारी मर जाए आ हम बोलू क्रिया न खल के या लड़का क्रिया नहीं ना खल के क्रिया। लड़की से 4-5 बार लड़का मिला था तो लड़की के पेट में बच्चा हो गया। लड़का जेल भी गया। लड़का को जेल से लड़की निकाल के लाई है। हमारे उड़ेला हम धीरा लिया तो कहा केना केना भेल हुआ तो एक दिना बोलू 2-3 दिन बोलू हमारा अंडा खियाल हवे झाल भूजा किन के खियाल हवे आ मेला में कृष्णांत सिंह बोलू हमारा 200 रुपया बोलू दे हवे मेला देखे ले आ बोलू पेट हो जाते ना तो हम लेके भाग जब से कह भूजे और अंडे के लिए उसके साथ सो गए। हाँ ये बात है क्या आप लोग के गांव में यही सब होता है? नहीं तो ऊंचा खिला दिया किसी से हुआ है वही बात का तो धरा हुआ है कि आज हमारे पास में है कोई समाज के पास में होगा ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय नहीं होना चाहिए बता घटा है माने अबे छै अथी को के अबे छै भीख मांग के लबे छै कबाड़ा को के लबे छै त खाइ छै आ न त उपासे पड़ल कोई है ना ओकरा मकई में ए मां है इधर आइए ये माँ है इनके घर पर हम एक बार गए थे न्यूज कवरेज करने देखने की आखिर क्या स्थिति है तो एक गुंगी और बहरी दोनों है ना सुन सकती है ना बोल सकती है और एक गांव के लोगों से मांग चांग के लाती है तो खाती है ये हमने आपको पहले भी दिखाया था ये माँ है क्या बेटी के साथ हुआ है हो गया बिया अभी समाज पकड़ के खुश है। चलिए ये खुश है कि इनकी बेटी का शादी हो गया। इधर लड़का पक्ष भी है, लड़का के का लड़का के भाई है, इसका क्या कहना है सो जानते हैं। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि लड़का को आया था इधर मार पीट के उसको जबरदस्ती शादी करवाया। ठीक है, ठीक। हमको कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि लड़का को DNA टेस्ट के बाद शादी किया जाएगा, खुशी से अगर इसका होगा तो खुशी से शादी किया जाएगा। हमारे तरफ से भी मांगे कि हाँ हम करेंगे, ठीक। तभी भी 8 महीना लड़का जेल में था, हम छोड़वा के लाए, इतना पैसा खर्चा किए हैं, ना गांव में पंचायती होने दिया है समाज में और ना कुछ हुआ, जाके केस कर दिया। और तो लड़की छोड़ा के लाई है उसको जेल से? नहीं, उसको पूछिए ना खाने के लिए पैसा है कि वो लड़की जाएगी जेल से छोड़ाने। 8 महीना हम इतना खर्चा करके जेल से हम इसको छोड़ा के लाए हैं, बताए। 8 लड़की के स्वीकृति पर ही छूटा है ना? नहीं, लड़की गेवे नहीं किया, लड़की गेवे नहीं किया। थाना पर लड़का जो पहुंच गया ना, थाना पर भी बुलाया गया है लड़की को आने के लिए तो नहीं गया। लड़की कोर्ट में मिलने जाती थी आपके भाई से? नहीं, कभी नहीं। अब लड़का जब छूट, मेरे सवाल का जवाब, लड़की कोर्ट में मिलने जाती थी आपसे भाई से कि नहीं मिलने जाती? नहीं मिलने जाती, कभी नहीं, नहीं। ठीक है, अगर हम आपको प्रूफ दे दे कि आपका भाई से मिलती थी कोर्ट में तब क्या कीजिएगा? तो मिलती थी तो अब देखो हमको तो आपका भाई कोर्ट में स्वीकारा है शादी करने का, खा के शादी होगा किसी आदमी से बात ही बात होगा? आपका भाई कोर्ट में स्वीकारा है कि हम शादी करेंगे, इसका प्रूफ हमारे पास है जी? आपके पास है बना? मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ है कि लड़की आपके भाई से 3-4 बार भी मिली है जेल में जाकर और लड़का शादी के लिए हाँ किया है, ये भी हमारे पास प्रूफ है। ये हमको नहीं मालूम, पर हम इतना जानते कि नहीं मिली थी। अभी वो बोला है ना तो मिला होगा, पर हम कह रहे हैं ना किसको हम छोड़ाए हैं, अभी भी केस चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, लड़की से शादी हो गया तो आप लोगों को तकलीफ है? तकलीफ हम लोग का है इसके बाद का कि लड़का को जबरदस्ती शादी क्यों करवाया गया, तकलीफ हमको इस DNA टेस्ट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, इसके बाद भी आप DNA टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ तो अपन अभी अभी अलग करवा दीजिए ना,
अभी अलग रहेगा, हम आपको बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट तो बच्चा का होता है, महिला का थोड़ी ना होता है। तो वही ना हम बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट बच्चा का होगा तो अभी तो अलग हो सकता है कि नहीं, कि अभी अलग करवा दीजिए। और हम खुद कह रहे हैं कि हम अगर लड़का अगर इसका होगा तो हम खुशी से शादी करने के लिए तैयार है। तो लड़की झूठ बोलती है, आपके भाई का बच्चा नहीं है। लड़की से इतना पूछिए कि लड़की को कितना महीने में बच्चा पैदा होता है, 11 महीने में होता है कि 10 महीने में कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, बताइए। इससे इतना पूछिए ना, कितना महीने में बच्चा हुआ है? महीना 11 महीना में हुआ है। 11 महीना में जी, 11 महीना आपके भाई से नहीं मिली है तो बच्चा हो गया। तो वही तो बात है, कब मिली थी? हमारा भाई मार्च में है तो मेरा शादी 13 मार्च को था। हम बोले कि बाबा जी को जाकर के बताइए, तो हम आकर के बाबा जी को दुकान पर बोले कि आपके ऊपर ऐसा क्लेम लगा है, तो इस क्लेम को मैटर हल कीजिए कहाँ तक, अभी प्रेग्नेंट है, जो जहाँ तक अगर खर्चा हो करके आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, जाति समाज वाला है, गांव वाला मैटर है, आप निकल जाएंगे। लेकिन बोला कि नहीं, हम डीएनए टेस्ट कराएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। तो जब लड़की प्रेग्नेंट थी उसी वक्त लड़का के पिता ने कहा डीएनए टेस्ट कराएंगे तब स्वीकार करेंगे, तब तक लड़की को बच्चा भी हुआ, बच्चा 1 साल के लगभग हो भी गया, लेकिन डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। हम बोले कि जो ठीक है, जब डीएनए टेस्ट कराओगे तो ठीक है, तुम अपना लड़का को बुला करके डीएनए टेस्ट करा लो, अब मैटर खत्म करो यहाँ पर। लेकिन ये लड़का को न बुला करके बड़का लड़का को इसको बुला लिया, इसको बुला करके तो हमारा औरत बोली कि जे भाई काहे के लिए इधर उधर जाएगा, जो लड़का का भाई स्वीकार कर रहा है। तो हम बोले ठीक है, स्वीकार कर रहा है तो कोई बातें नहीं है। तो इसको हम बुलाए, सामने बैठा हुआ था, हम इसको बुलाए तो हम बोले कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, तुम क्या, तुम्हारा इसमें राय विचार क्या है? तो नहीं, अपना बच्चा है, गिरवा ले चाहे कुछ करे, 10 बार ऐसा बोली बोला हो ये लड़का। तब हम इसको बोले कि देखो, आलतू फालतू बात नहीं बोलने का, जो तुमको मैटर है उसमें हाँ कहो चाहे ना कहो, लेकिन गिराने का बात हमेशा मत बोलो। मैं ये बात इसको डांटा था मैं इसको, तब ये चुपचाप हो गया, नहीं माना। तो अगला पक्ष को हम छोड़ दिया, हम बोले जाओ अपना जो करना है सो करो। बाद में केस किया तो ठीक है, वहाँ से लड़का संवाद भेज रहा था 2-3 आदमी को जो जेल में रह के आया है कि भाई हमको लड़की से शादी करा दो, मेरा वाला बच्चा है, मैं शादी करूंगा लड़की से, हम सजा नहीं भुगतना चाहते हैं। तो ये लोग फिर गया और लड़की को लेकर के वहाँ पर जेल में मिलवाया, बोला कि ठीक है जो हम शादी करेंगे। तो लड़की को लेकर के यहाँ से गया, तो कुछ रास्ता में जाते जाते इसका बहन वहन सब पैसे के लिए इनकार हो गया, इसके पास पैसा नहीं था जाने के लिए, तो इसलिए वहाँ से वापस चला आया, नहीं तो इसका वहीं पर सब कुछ हो जाता जेल में करारनामा करा करके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसके पास पैसा नहीं था, खाने बिना तो मरती है। जब हम आपको बोले थे लड़की को लेके आइए कोर्ट में, तो आप क्यों नहीं लेके? हम एक्चुअली हम काम में थे, हम उस दिन हम बाहर कहीं गए थे, भाड़ा में गए थे, तो इसके लिए हम नहीं आ पाए। लड़का वाला का कहना है कि उसका बच्चा नहीं है, ग्रामीण का कहना है कि उसका बच्चा है, इसीलिए ग्रामीण पकड़ कर जबरदस्ती शादी करवा दिया है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि जब डीएनए टेस्ट की बात आती है तो लड़की 1 से 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तभी पता चल गया कि लड़की प्रेग्नेंट है। उस समय लड़का पक्ष को चाहिए था डीएनए टेस्ट करवाना। अब लड़की का जो बच्चा भी शायद कई महीना का हो गई है, लेकिन अब भी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। लड़का 8 महीना जेल भी का सजा भी काट के आया है, लेकिन अभी भी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। जब लड़का को जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाया गया, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है लड़का भाग रहा था, तो जबरदस्ती पकड़ के इसी मंदिर में, बगल में हनुमान मंदिर है, शादी करवाया गया है। तो लड़का पक्ष कहता है कि नहीं, लड़का का बच्चा नहीं है, सो हमको डीएनए टेस्ट करवाना था, जो वकील बोला है अब डीएनए टेस्ट होगा। बताइए तो क्या डेढ़ सालों से वकील कहाँ था? 1.5 सालों से लड़का का पिता कहाँ था? क्यों नहीं कराया डीएनए टेस्ट? लड़की गरीब थी, लड़की का आर्थिक स्थिति खराब था, लेकिन लड़का का तो नहीं था। उसको डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए था कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं लड़की के पास।